हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम चाइनीज पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पर सिर्फ सब्जियों को ही काटने में टाइम लगता है। चाइनीज पकोड़ा दूसरे पकोड़ों से थोड़ा अलग होता है, खाने में बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा लगता है। आइए ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाइनीज पकोड़ों का मजा लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल में मैंने 2 कप पत्ता गोभी को धोकर बारीक बारीक इस तरह काट लिया है। एक गाजर को हमने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। एक शिमला मिर्च को भी इस तरह हमने काटा है। अब हम ये भी इसमें डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है। अगर हमें कम लगेगा तो हम और डालेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 हरी मिर्चियों को हमने बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 2 पिंच रेड फूड कलर है, यह ऑप्शनल है। इसको डालने से पकोड़ों में बाजार वाला लुक आएगा। अब हम ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डालेंगे। 2 टेबल स्पून शेजवान चटनी डालेंगे। 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने जो सब्जियां इस्तेमाल की हैं, इनमें से थोड़ा पानी निकलेगा क्योंकि हमने पहले इसमें नमक डाला था। अगर हमारे बैटर में पानी की जरूरत लगेगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अगर बैटर गाढ़ा होगा तो ये तेल में बिखर जाएगा, इसलिए हमें बैटर को ना ज्यादा गाढ़ा रखना है ना ज्यादा पतला। हमें हमारा बैटर मीडियम रखना है। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं लगी थी। देखिए, हमें इसी तरह का बैटर बनाना है, बिल्कुल पकोड़ों जैसा। चलिए अब हम पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। हमने तेल को हाई फ्लेम पर गरम किया है। अब हम इसमें छोटे छोटे बाउल बनाकर तेल में डालेंगे और पकोड़े डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हमारे पकोड़े ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर हमारे पकोड़ों को बनाएंगे। देखिए, हमारे पकोड़े का अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है।
अब हम सारे पकोड़ों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा क्रिस्पी लाजवाब सा चाइनीज पकोड़ा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिए। देखिए हमारा चाइनीज पकोड़ा कितना क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए। देखिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी है हमारा चाइनीज पकोड़ा। आप भी हमारी रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए।